राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। महामहिम को अपमान घटना रे काठगड़ा रे कांग्रेस सारा देश रे भक्षित हेबा परे एबे आत्मरक्षा पई आगे आसीची दल आउ दल करिची प्रतिवाद। तेबे कांग्रेस रो एपरि प्रतिवाद को समालोचना करिची बीजेपी। बीजेपी कहिची एहा हेउची कांग्रेस रो सामंतवादी चिंताधारा। चोरी उपरे सीना जोरी करबा को पछाय नाही कांग्रेस आउ देशर महामहिम को अपमान करबा परे भी निजर भूल स्वीकार करूनी कांग्रेस, जहां दुर्भाग्यजनक बोली कहिची बीजेपी। आउ एहाकु नै आज द्वितीय दिन पई संसद रहिची अचल। हजिरंजन माफी मांग अनकंडीशनल माफी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीरंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषता अधीरंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। सेपटे एही घटना को नहीं सारा देश रे बीजेपी रा प्रतिवाद। आउ ए परिस्थिति रे आज केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करिछंती सौजन्यमूलक साक्षात। आउ ग्राउंड रे कांग्रेस रो क्षमा मांगिबा दाबी एबे भी बीजेपी पक्षरु जोर धरिछि। आउ ए सब भितरे स्लिप ऑफ टंग कथा कही निज मुंडरु दोष खसाइबा पई चेष्टा करिछंती कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। चौधरी से कहेंगे वो एक देश की जनता से माफी मांगे, जो इन्होंने कर्तव्य जो टिप्पणी की है वो है कि भारत की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आउ चाप अगरे मुंडो नुआई शेषरे चिट्ठी लिखी महामहिम को क्षमा प्रार्थना करिछंती विवादीय सांसद अधीर रंजन चौधरी। महामहिम को अपमान सूचक मंतव्य देवा प्रतिवाद रे कांग्रेस पई बढ़िचे अड़ुआ। सबरी महल रे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को तीव्र समालोचना। आउ ए परिस्थिति रे जातीय महिला कमिशन को पक्षरु अधीन को नोटिस तांको पई आउरी बड़ अड़ुआ सृष्टि करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।